दोस्तों, क्या आपको एक ऐसी प्लेन के बारे में पता है जो बिना किसी इंजन के उड़ाई जाती है, क्योंकि इसको उड़ाने के लिए एक इंसान की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। और क्या आपको एक ऐसे ही हेलीकॉप्टर के बारे में पता है जो बिना किसी इंजन के उड़ाया जा सकता है केवल ह्यूमन पावर का यूज करके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जो बिना किसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजन के उड़ाए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 7, DASH-PA। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब इंसान करने पे आता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला 5 दिसंबर 2015 को, जब कैलिफोर्निया के हाफ मून बे एयरपोर्ट पर इस प्लेन को इंसान की ऊर्जा से उड़ाया गया। इस प्लेन को कैलिफोर्निया के एक इंजीनियर एलेक प्राउडफुट के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने प्लेन को इस प्रकार से डिजाइन किया था ताकि एक इंसान पेडलिंग से इसको आसानी से उड़ा सके, और इसलिए इस प्लेन में साइकिल के मैकेनिकल सिस्टम का यूज किया गया था। दोस्तों, इस प्लेन का टोटल वेट 36 किलोग्राम था और इसके पंखों की लंबाई 33 मीटर थी। और दिसंबर 5, 2015 को इस प्लेन को एलेक प्राउडफुट के द्वारा 233 मीटर तक सक्सेसफुली उड़ाया गया, जो कि एक कमाल की बात है। इसके बाद प्लेन की अनेकों टेस्ट फ्लाइट की गई, जिनमें से 2016 को प्लेन को 1.6 किलोमीटर तक उड़ाया गया और नवंबर 2017 को प्लेन को 1.9 किलोमीटर तक उड़ाया गया, जो अपने आप में एक अनोखी बात है। नंबर 6, MIT डेडलस। दोस्तों, ये बात है साल 23 अप्रैल 1988 की, जब MIT एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डेडलस ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट को बनाया गया। इस प्लेन को 3 घंटे 54 मिनट तक एक इंसान की ऊर्जा से हेरिक्लाइन आइसलैंड से संतोरिनी आइसलैंड के बीच 115 किलोमीटर की दूरी तक उड़ाया गया, जिसके कारण इस प्लेन ने FAI यानी फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि एक इंसान की ऊर्जा से चलने वाली ये दुनिया की पहली प्लेन थी जिसने 115 किलोमीटर तक एक सफल उड़ान भरी। दोस्तों, इस प्लेन में भी साइकिल के मैकेनिकल सिस्टम का यूज किया गया था, जिसमें एक पायलट पेडलिंग से प्लेन के प्रोपेलर को चलाता था, और इस प्लेन को पहली बार नासा ड्रेडन फ्लाइट रिसर्च सेंटर में उड़ाया गया था। इस प्लेन का आइडिया एक एविएशन के मिथोलॉजिकल इन्वेंटर के दिमाग में आया था। इसके बाद इस प्लेन के 3 प्रोटोटाइप टेस्ट किए गए, जिनका नाम था लाइट ईगल, डिडलस 87 और डिडलस 88। नंबर 5, ह्यूमन पावर्ड हेलीकॉप्टर। दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए काफी पावरफुल इंजन की जरूरत होती है, पर क्या आपको पता है कि एक हेलीकॉप्टर को ह्यूमन पावर से भी उड़ाया जा सकता है? दोस्तों, ये बात है साल 13 जून 2013 की, जब एरोवेलो एटलस नाम के एक हेलीकॉप्टर को इंसान की ऊर्जा से 32 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया गया। ये हेलीकॉप्टर बनाना इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज था, जिसमें हेलीकॉप्टर के पावर टू वेट रेशियो को मेंटेन रखना था। इसलिए इंजीनियर्स ने इस हेलीकॉप्टर में 4 बड़े प्रोपेलर का यूज किया, जिनको एक पायलट हेलीकॉप्टर के सेंटर में बैठकर पेडलिंग की मदद से चलाता था, और हेलीकॉप्टर कुछ मिनट के लिए हवा में उड़ पाता था। और दोस्तों, एरोवेलो एटलस हेलीकॉप्टर की इस अचीवमेंट के लिए इसके इंजीनियर्स को $250,000 से भी सम्मानित किया गया। नंबर 4, द स्नोबर्ड। दोस्तों, हम इंसानों में प्राचीन समय से ही पक्षियों की तरह उड़ने की जिज्ञासा है। सन 1485 में दुनिया के सबसे फेमस इटालियन पॉलीमैथ लियोनार्डो दा विंसी ने ह्यूमन पावर्ड ऑर्निथोप्टर का डिजाइन बनाया था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस डिजाइन को एक पक्षी की तरह उड़ने के लिए अपनी ह्यूमन पावर्ड फ्लाइट में यूज किया, पर 2009 से पहले कोई भी इसको सफल नहीं कर पाया। पर दोस्तों, 31 जुलाई 2010 को कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फॉर एरोस्पेस स्टडीज के द्वारा इस पक्षी की तरह उड़ने वाली ह्यूमन पावर प्लेन को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जिसका नाम था UTIAS स्नोबर्ड। दोस्तों, इस ह्यूमन पावर्ड एरोप्लेन को एक इंसान पेडलिंग की हेल्प से उड़ाता था, जिसमें पेडल की एनर्जी को इस प्लेन के पंखों को फड़फड़ाने के लिए यूज किया जाता था, सेम उसी तरह से जैसे पक्षी उड़ते हैं। नंबर 3, रूप्टर। दोस्तों, ये एक स्विस हाई विंग सिंगल सीट माइक्रो लिफ्ट ग्लाइडर है, जिसमें किसी भी प्रकार के इंजन का यूज नहीं होता। इस ग्लाइडर को सालों की रिसर्च के बाद 2001 में रोजर रूप्टर नाम के एक इंजीनियर के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद 2001 से 2009 तक इसकी अनेकों टेस्ट फ्लाइट की गई, और फाइनली 2010 में इसको दुनिया भर में डिलीवर करने के लिए इसका प्रोडक्शन शुरू किया गया। दोस्तों, इस ग्लाइडर को किसी ऊंची जगह से एक पर्सन के द्वारा दौड़ के लॉन्च किया जाता है, और इसके बाद इसको एक प्लेन की तरह ऑपरेट करना पड़ता है। अभी तक इस ग्लाइडर के 4 वेरियंट्स बनाए जा चुके हैं। नंबर 2, गोस्मर एल्बेट्रोस। दोस्तों, ये ह्यूमन पावर्ड प्लेन सन 1979 में एक अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर डॉक्टर पॉल बी की कंपनी एरोवायरोनोमेंट के द्वारा बनाया गया था। इस प्लेन में भी एक साइकिल का मैकेनिकल सिस्टम लगा हुआ था, जिसमें एक पायलट पेडलिंग की मदद से इस प्लेन के प्रोपेलर को चलाता था। इस प्लेन के टोटल 2 प्रोटोटाइप बनाए गए थे, जिनका टोटल वेट 32 किलोग्राम था। इन प्लेन्स के पंखों की लंबाई 29 मीटर तक फैली थी, और इन दोनों को बहुत ही हल्के मटेरियल से बनाया गया था। नंबर 1, मस्कुलर।
दोस्तों मस्कुलर वन एंड मस्कुलर टू ये दो अलग अलग ह्यूमन पावर्ड एयरक्राफ्ट है जो डिजाइन और बिल्ड की गई थी एक जर्मन एकेडमिक इंजीनियर के द्वारा। दोस्तों मस्कुलर वन साल 1984 में बनाई गई थी जिसकी टॉप स्पीड 35 किलोमीटर पर हावर रही। ये स्पीड एक ह्यूमन पावर्ड एरोप्लेन के लिए काफी ज्यादा है जिसके लिए प्लेन के इंजीनियर्स को बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इस प्लेन को भी पैडलिंग सिस्टम से उड़ाया जाता था जो एक चेन से प्रोपेलर से जुड़े हुए थे। इसके बाद साल 1985 में इस प्लेन के सेकेंड प्रोटोटाइप मस्कुलर 2 को बनाया गया जिसकी टॉप स्पीड 44 किलोमीटर पर हावर रही। इसके बाद इस प्लेन को सन 2006 में दोबारा से मॉडिफाई किया गया। अब ये दोनों प्लेन जर्मनी के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और एडिटिंग करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।